हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2021 के मैच नंबर 20 की, जो कि खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। हम आपको बताएंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11, ग्राउंड रिपोर्ट, कौन जीतेगा इस मैच को और इस मैच के टॉस को। इसलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 18 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 7 मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स ने जीत हासिल की है, वहीं 11 मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत हासिल की है। अगर आप चाहते हैं इस मैच की फिक्स रिपोर्ट, तो आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। ये लगातार बैक टू बैक मैच पास करा रहे हैं, मैच तो पास करा ही रहे हैं, साथ में टॉस और सेशन में भी काफ़ी प्रॉफिट कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एक बार इन पर व्हाट्सअप करके ज़रूर देखिएगा। ये नंबर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात करें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे कप्तान डेविड वार्नर और विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेस्टो। नंबर 3 पर खेलते हुए दिखेंगे केन विलियमसन और नंबर 4 पर विराट सिंह खेलते हुए दिखेंगे। बात करें मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर्स की, तो हमें देखने को मिलेंगे विजय शंकर, अभिषेक शर्मा, केदार जाधव और राशिद खान। बात करें बॉलिंग लाइनअप की, तो इसमें मौजूद हैं भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद और सिद्धार्थ कौल। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, हैदराबाद की टीम ये मुकाबला जीत पाएगी? इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। तो हमें दिल्ली की ओर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे पृथ्वी शाह और उनका साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद होंगे शिखर धवन। नंबर 3 पर खेलते हुए दिखेंगे स्टीव स्मिथ और नंबर 4 पर कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते हुए दिखेंगे। बात करें मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर्स की, तो हमें देखने को मिलेंगे मार्कस स्टोनिस, सिमरन हेटमायर, ललित यादव और रविचंद्र अश्विन। बात करें बॉलिंग लाइनअप की, तो इसमें मौजूद हैं कगिसो रबाडा, अमित मिश्रा और आवेश खान। अब अगर बात करें ग्राउंड रिपोर्ट की, तो ये मैच चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा, जहाँ की पिच बॉलिंग फ्रेंडली रहती है। यहाँ पर ज़्यादा बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिलता, यहाँ का एवरेज स्कोर 156 रन है। यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादा जीतती है, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में देखा गया यहाँ पर 140 से अधिक स्कोर नहीं बना और सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम जीती। बात करेंगे हम टॉस प्रेडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस मुकाबले में टॉस विनर रहने वाली है सनराइजर्स हैदराबाद। हाँ दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद के टॉस जीतने के चांस ज़्यादा हैं। अब बात करें अगर मैच प्रेडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस और टीम परफॉर्मेंस को देखते हुए इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जीत हासिल करेगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैच नंबर 19 की प्रेडिक्शन पाने के लिए हमें फॉलो करें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैच नंबर 19 की अपडेट वहीं पर दी जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञान कोश। पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएँ।